फ्रेंड्स, टेक महिंद्रा ने पूरे बाजार के सारे अनुमानों को फेल करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे पेश किए, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार काफ़ी सारे एनालिस्ट ऐसा मान रहे थे कि पिछले साल के मुकाबले यहां पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, मगर यहां पर उल्टा हुआ, यानी कि पिछले साल के मुकाबले हमें रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। क्योंकि फ्रेंड्स जो पिछले साल 9,106 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशंस थी, वो बढ़कर इस बार 10,197 करोड़ है, और इस बार हायर साइड पर ऐसा अनुमान था कि ये रेवेन्यू बढ़कर 10,030 करोड़ तक आ सकते, तो हायर साइड पर जो अनुमान था उसको भी बीट कर दिया, और लोअर साइड पर फ्रेंड्स ऐसा अनुमान था कि यह रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशंस का फिगर 9,000 करोड़ से भी नीचे आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशंस का फिगर हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पिछले साल 1,283 करोड़ था उसके सामने इस बार 1,794 करोड़ दर्ज किया, तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी हमें जंप देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल जो 972 करोड़ का प्रॉफिट था उसके सामने 1,353 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनुमान से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं ऐसा हम कह सकते हैं। और डॉलर टर्म में फ्रेंड्स रेवेन्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पर डॉलर टर्म में भी ऐसा माना जा रहा था कि Q1Q 4-5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी, मगर आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स डॉलर टर्म रेवेन्यू में भी यहाँ पर Q1Q 4% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और 14% से ज़्यादा की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर अनुमान से बहुत ही ऊपर नतीजे आए हैं ऐसा हम कह सकते हैं, और ये नतीजे 3:23 पर आए, यानी कि बाजार बंद होने के ठीक 1 मिनट बाद आए, तो इसका इफेक्ट कल हमको शेयर पर देखने को मिलेगा।